हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए दो कलर का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, किसी के लिए भी इसको बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा और इजी सा पैटर्न है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे, प्लस 3 फंदा हमें एक्स्ट्रा रखना होगा। और ये डिज़ाइन हमारा 16 रोड में बन के कम्प्लीट होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने वैसे ही इतना बुन के रखा हुआ है। आप बॉर्डर बना लें, उसके बाद से बैक साइड से आप सिंपल सिलाई उल्टा उल्टा बुन लें, उसके बाद से देखिए राइट साइड से इस डिज़ाइन को अप्लाई करें। तो देखिए, ये डिज़ाइन का हमारा फर्स्ट रो है राइट साइड। पहला फंदा हमें स्लिप कर लेना है, एक फंदे को सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए, एक फंदे को सीधा बना लेना है। अब यहाँ पर हम धागे को आगे कर लेंगे इस तरह से। 5 फंदे देखिए इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 5। 5 फंदे को स्लिप करना है धागे को पीछे करके, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से हमें धागे को आगे लाना है, 5 फंदा स्लिप करना है, 1, 2, 3, 4, 5। धागे को पीछे कर लेंगे और एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए, डिजाइन का रॉन्ग साइड है सेकेंड रो। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और देखिए इस तरह से हम सारे फंदे को एक एक करके उल्टा बना लेंगे। बैक साइड से हम सारे फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए, डिजाइन का हमारा थर्ड रो है राइट साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेना है, एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से सेम प्रोसेस वही रिपीट करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, 5 फंदे को हमें स्लिप कर लेना है इस तरह से। धागे को पीछे कर लेना है, एक फंदा सीधा। फिर से धागे को हम आगे लाएंगे, 5 फंदा स्लिप कर लेंगे इस तरह से। राइट वाले सिलाई में उतारेंगे धागे को पीछे करके, लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब देखिए, डिजाइन का हमारा फिफ्थ रो है राइट साइड। पहला फंदा इस तरह से स्लिप कर लेना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे हम। धागे को आगे लाना है, सेम प्रोसेस हमें बार बार वही रिपीट करना है। देखिए, 5 फंदे को स्लिप करके धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे लाना है और 5 फंदे को इस तरह से हमें स्लिप कर लेना है। धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा, लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। बैक साइड से सारे फंदे को उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, डिजाइन का हमारा 7th रो है राइट साइड। पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को आगे कर लेना है, 5 फंदे को इस तरह से हमें स्लिप करना है। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागे को आगे लगाना है। फिर से देखिए, सेम प्रोसेस हमें वही रिपीट करना है बार बार। देखिए इस तरह से धागे को पीछे करके 2 फंदा हम लास्ट का सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये डिजाइन का हमारा 8th रो है बैक साइड। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे पर्पल लगाएंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से कलर की मैचिंग रख लें, उसके बाद से इस डिजाइन को बनाएं। तो देखिए इस तरह से हमें पर्पल कलर लगाया हुआ है। अब बैक साइड से सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए, सेकेंड कलर के धागे से अब सारे फंदे को हमें उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए, इतना बुनने के बाद अब डिजाइन का हमारा 9th रो है राइट साइड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरह से हमें पहला फंदा स्लिप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदा और हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा स्लिप कर लेना है, 3 फंदे को सीधा बनाना है। अब देखिए नीचे साइड से, देखिए 1
2, 3, 1, 4। ये चार फंदा जो हमने बनाया हुआ था, देखिए इस तरह से नीचे के साइड से हमें नीचे वाले फंदे को हमें ऊपर लाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें ऊपर लाना है और दो फंदों के सीधे वाले फंदे के साथ इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए, हम पांच फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 5। इस तरह से देखिए, 2, 4, 1, 5। बीच का जो हमारा सीधा वाला फंदा है, देखिए नीचे की साइड से इस तरह से हमें फंदे को ऊपर लाना है। नीचे वाला फंदा हमें ऊपर लाना है इस तरह से, और सीधे वाले फंदे के साथ इसे हम पीछे की साइड से इस तरह से सीधा फंदा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। अब लास्ट का हमें चार फंदा सीधा बना लेना है। 2, 3, 1, 4। अब देखिए, डिजाइन का हमारा 11th रो है, राइट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेना है। तीन फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से, देखिए 1, 2, 3। एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा। अब देखिए 1 और 2, नीचे का जो फंदा है, तीसरा वाला फंदा, हम उसे इस तरह से देखिए ऊपर की साइड लाएंगे। देखिए इस तरह से हमें नीचे से ऊपर लाना है। सीधे वाले फंदे के साथ इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। देखिए फिर से पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 1, 5। फिर से देखिए, तीसरा वाला जो नीचे का फंदा हमारा है, उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे और सीधे वाले फंदे के साथ हम इसे सीधा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। लास्ट का चार फंदा हमारा बचा है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, डिजाइन का 13 रो है, राइट साइड पहला फंदा स्लिप करना है। तीन फंदे को सीधा बनाना है इस तरह से, देखिए 2, 1, 3। तीन फंदा सीधा बुनने के बाद देखिए, नीचे का जो हमारा फंदा है, दूसरा वाला फंदा, उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा कर लेना है। इस तरह से सीधे वाले फंदे के साथ बुन लेना है। फिर से पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट वाला डिजाइन भी सेम इसी तरह से हम बुनेंगे। इतना बुनने के बाद देखिए, अब डिजाइन का 15 रो है, राइट साइड पहला फंदा इस तरह से हम स्लिप कर लेंगे। तीन फंदे को सीधा बुनना है, 1, 2, 3। देखिए अब जो हमारा लास्ट का जो फंदा हमारा बचा है, इस तरह से देखिए, हम उसे ऊपर की तरफ लाएंगे ऐसे, और दो फंदों के साथ देखिए इस तरह सीधे वाले फंदे के साथ इसे हम बुन लेंगे। सीधा फंदा बना लेंगे, फिर से पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 1, 5। फिर से हम लास्ट वाला फंदा देखिए इस तरह से सीधे वाले फंदे के साथ ऊपर उठाएंगे और सीधे वाले फंदे के साथ इसे हम सीधा बना लेंगे। देखिए हमारा 16 रो का डिज़ाइन है। फिर से यहाँ से हम फर्स्ट पैटर्न रिपीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।